हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी, पूर्व राजदूत, साथ ही स्वर्ण सिंह प्रोफेसर हैं जेएनयू में। आप दोनों से यही सवाल मैं पूछना चाहूंगा। सबसे पहले पिनाक जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो केमिस्ट्री की बात मैं कर रहा था कि जब सुबह मुलाकात हुई व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन ने और मिसेज बाइडेन ने जिस तरह से गर्वजोशी से स्वागत किया पीएम मोदी का, पीएम मोदी ने कुछ खास तोहफे भी भेंट किए, उन्हें भी कुछ तोहफे मिले हैं, ये क्या दिखाता है इन दोनों नेताओं के आपस के रिश्तों के बारे में? देखिए, ये जो गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करना, ये प्रोटोकॉल में आता है। हमारे यहाँ भी जब आते हैं हम गिफ्ट्स देते हैं, वो भी लाते हैं। ये बड़ा एक फिक्स्ड सिस्टम है प्रोटोकॉल में। अब पर किस तरह का गिफ्ट्स दिया जा रहा है उसमें चर्चा का विषय वो जरूर है। क्या आप दिखाना चाहते हैं? गिफ्ट के माध्यम से आप मैसेज दे रहे हैं, आप कुछ इंडिया का कल्चरल एस्पेक्ट उनके नजरिए में ला रहे हैं, इस तरह की बातें होती हैं। और उसके बाद जो 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 दूसरा चीज आपने क्या पूछा, जरा यही प्रश्न था कि जिस तरह से गर्मजोशी दिखाई दी है दोनों ही नेताओं के बीच में, हमने देखा कि कई जगह मुलाकात हुई है। हाल ही में जापान में भी दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई थी और जिस तरह से उन्होंने कहा था राष्ट्रपति बाइडेन ने, क्या तो बहुत भीड़ है, बहुत लोग आना चाहते हैं। देखिए, पर्सनल केमिस्ट्री ओवरनाइट नहीं बनता है। पर्सनल केमिस्ट्री बनता है जब एक दूसरे से वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का जो माइंड जो है वो समझते हैं, तब जाके एक पर्सनल केमिस्ट्री बनता है। और ये संभव तभी होता है कि जब वो बार बार मिले, और ये दोनों जो लीडर्स हैं वो बार बार मिल चुके हैं, इसलिए वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी वो अपनी एक भाषा में वो बात कर सकते हैं। मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स जिसे हम कहते हैं वो हो रहा है और हो चुका है, इसीलिए पर्सनल केमिस्ट्री बना है। इसके पीछे ऑफकोर्स देश के इंटरेस्ट भी है, सब कुछ। बिल्कुल, इंटरेस्ट तो खैर कूटनीति में सबसे पहले होता ही है। जी हाँ, गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ये देख लेते हैं।
मोदी मैजिक।
Mr. President, this concludes the honors. Distinguished guests, the President of the United States. Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India is one of the, will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution, first three words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. स्वागत है प्रधानमंत्री जी आपका पुनः आपका लौटने के लिए मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य यह रिश्ता 21वीं सदी के परिभाषित संबंधों में से एक है दो गौरवशाली राष्ट्र हम इन तथ्यों से बंधे हैं और यहाँ हमारी स्वाधीनता के प्रेम से ही हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है हमारे जो तथ्य हैं वो हमारे संविधान के पहले शब्द यही हैं हम देश के नागरिक हमारे लोगों के बीच स्थायी संबंध और साझे मूल्य और वर्तमान के महान मुद्दों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के रूप में हमारी साझी जिम्मेदारी I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit for the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. मैं सम्मानित हूँ कि लगभग 15 वर्षों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत गणराज्य के लिए एक आधिकारिक राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है We spent a lot of time. We spent a lot of time together going back to when I was vice president and you had just become prime minister. And since I've become president, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. बहुत समय एक साथ बिताया है उस समय से जब मैं उपराष्ट्रपति था और आप अभी अभी प्रधानमंत्री बने थे और जब से मैं राष्ट्रपति बना हूँ हमेशा इस रिश्ते को जारी रखा है हमने और जहाँ हमारा इसमें आपसी विश्वास स्पष्टवादिता और सम्मान है इस सदी में जो चुनौतियाँ और अवसर विश्व के सामने हैं यह आवश्यक है कि भारत और अमेरिका एक साथ काम करें और नेतृत्व करें और हम कर रहे हैं With your partnership, we've invigorated and elevated the Quad between the United States, India, Australia, and Japan to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. Decades from now, people will look back and say, the Quad bent the arc of history toward global good, as the Prime Minister describes it. आपकी साझेदारी के साथ हमने एक मुक्त, खुला, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य क्वाड को मजबूत और उन्नत किया है अब से दशकों बाद लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे क्वाड ने इतिहास के वृत्तचाप को वैश्विक हित की ओर मोड़ दिया जैसा कि प्रधानमंत्री इसका वर्णन करते हैं Together, India and the United States are working closely on everything from ending poverty and expanding access to healthcare to addressing climate change to tackling food and energy insecurity stoked by Russia's unprovoked war in Ukraine. साथ साथ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हर विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं जैसे कि गरीबी को समाप्त करना और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार जलवायु संकट को संबोधित करने से लेकर खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा से निपटना
जो यूक्रेन पर रूस के अकारण युद्ध से प्रभावित हुआ। We made critical and emerging technologies the pillar of our next generation partnership to ensure that these technologies promote and protect our values, remain open, accessible and trusted and secure. हमने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनी अपनी पीढ़ी के साझेदारी का एक स्तंभ बनाया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रौद्योगिकियों हमारी द्वारा हमारे मूल्यों को बढ़ावा और सुरक्षा मिलेगी और यह खुले, सुलभ, विश्वसनीय और सुरक्षित रहेंगी। All this matters for America, for India, and for the world. We face an inflection point, one of those moments that only come around every several generations, when so much is changing technologically, politically, socially, and environmentally, that the decisions we make today are going to determine our future for decades to come. यह सब बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, भारत के लिए और सारे विश्व के लिए। हम एक मोड़ का सामना कर रहे हैं, ऐसे क्षण जो हर कई पीढ़ियों में केवल एक बार आते हैं, जहां बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है, तकनीकी रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से, कि आज हम जो निर्णय लेंगे वह आने वाले दशकों के लिए भविष्य का निर्धारण करेंगे। And as democracies, we can better tap into the full talent of all of our people and attract investments as true and trusted partners as leading nations, with our greatest export being the power of our example. Equity under the law, freedom of expression, religious pluralism, and diversity of our people. These core principles have endured and evolved even as they have faced challenges throughout each of our nation's histories, and will fuel our strength, depth, and future. लोकतंत्र के रूप में हमने सभी लोगों की पूर्ण प्रतिभा का बेहतर तरीके से लाभ उठाया है और हम उठा सकते हैं, और अग्रणी देशों के रूप में सच्चे और विश्वसनीय भागीदारों के रूप में निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा निर्यात हमारे उदाहरण की शक्ति है। कानून के तहत समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक बहुलवाद, हमारे लोगों की विविधता, ये मूल सिद्धांत दृढ़ हैं और विकसित हुए हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है हमारे प्रत्येक देश के इतिहास में, और दूर भविष्य तक हमारी ताकत को ये ऊर्जा प्रदान करेंगे। And they form a special bond among our nations, forged by the special bond among our people, based on values that are universal. A duty to family and elders, treating all people with respect and dignity, a premium on education and creativity, self-discipline, hard work, entrepreneurship, faith and service to community, courage and resilience, and tolerance and opportunity for all. और वे ये हमारे राष्ट्रों के बीच एक विशेष बंधन बनाते हैं, हमारे लोगों के बीच विशेष बंधन द्वारा निर्मित उन मूल्यों पर आधारित जो सार्वभौमिक हैं। परिवार और बड़ों के प्रति कर्तव्य, सभी लोगों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार, शिक्षा और रचनात्मक पर बढ़ोतरी, आत्म अनुशासन, कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता, विश्वास और समुदाय के लिए सेवा, साहस और लचीलापन, सहिष्णुता और अवसर। I've seen this dynamism in my visits to India. I see it in Indian American diaspora. It reflects every part of American life. It remains a bridge between our nations. And only grow stronger with each generation. We see it with record numbers of Indian Americans serving in the United States Congress. We see it here at the White House, where proud Americans and Indians' heritage serve our country every day, including our Vice President of the United States, Kamala Harris. मैं यह गतिशीलता देखी है, मैं इसे भारतीय अमेरिकी प्रवासियों में देखता हूँ, जो अमेरिकी जीवन के हर भाग को दर्शाता है, और हमारे राष्ट्रों के बीच एक पुल बना हुआ है जो प्रत्येक पीढ़ी के साथ निरंतर मजबूत होता है। हम इसे संयुक्त राज्य कांग्रेस में बड़ी संख्या में देखते हैं, और हम इसे यहाँ व्हाइट हाउस में देखते हैं, जहाँ भारतीय विरासत के साथ गर्वित अमेरिकी हर दिन हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, और जिनमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं। The proud granddaughter of an Indian civil servant, daughter of an Indian student, turned American scientist,
who came to the United States when she's only 19 years old to pursue her dream of curing cancer. A family like so many of ours in our nation that speaks of the thousand stories of determination, courage, and hope. एक भारतीय समाज सेविक की पोती, एक भारतीय छात्र जो अमेरिकी वैज्ञानिक बनी, जो 19 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका आई थी कैंसर के इलाज के अपने सपने को साकार करने के लिए, उनकी बेटी। हमारे देशों में बहुत सारे परिवारों में से एक जो हजारों दृढ़ संकल्प, साहस और आशा की कहानियां कहते हैं। Stories that define the relationship and the limitless possibilities between the United States and India, two great nations, two great friends, two great powers that can define the course of the 21st century. Mr. Prime Minister, thank you for your partnership, and I'll turn it over to you. परिभाषित करने वाली कहानियां और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य असीम संभावनाएं, दो महान राष्ट्र, दो अच्छे मित्र, दो महान शक्तियां, यह 21वीं सदी के पाठ्यक्रम को परिभाषित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको सौंपता हूं। Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. राष्ट्रपति बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उमंग और उत्साह से भरे हुए इंडियन अमेरिकन मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। प्रेसिडेंट बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, Distinguished guests, friends from the Indian American community filled with energy and excitement, a very good morning to all of you. First of all, I would like to express my gratitude to President Biden for his warm welcome and his far-sighted speech. Thank you, President Biden, for your friendship. Friends, aaj White House mein shandar swagat samarabh ke एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान अमेरिका में रहने वाले 4 मिलियन से अधिक भारतीय मूल के लोगों का भी सम्मान है। इस सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का उनके प्रति हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, दिस ग्रैंड वेलकम सेरेमनी एट द व्हाइट हाउस टुडे इज एन ऑनर एंड प्राइड फॉर 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो एन ऑनर फॉर मोर देन 4 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन द US। फॉर दिस ऑनर आई एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू प्रेसिडेंट बाइडेन एंड डॉक्टर जिल बाइडेन। फ्रेंड्स, करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन
इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। फ्रेंड्स, अबाउट 3 decades अगो आई केम ऑन अ विजिट टू अमेरिका एज अ कॉमन मैन। एट दैट टाइम आई हैड सीन द व्हाइट हाउस फ्रॉम आउटसाइड। आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर आई हैव कम हियर मेनी टाइम्स, बट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम The doors of the White House have been opened for the Indian American community in such large numbers. भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। The people of the Indian community are enhancing India's glory in the US through their talent, hard work and dedication. You are the real strength of our relationship. I thank President Biden and Dr. Jill Biden for the honor you've been given today. I think I can't thank him enough for this. Friends, Bharat aur America dono ke samaj aur vyavasthaen लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। दोनों देशों के संविधान उसके पहले 3 शब्द और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिसका उल्लेख किया, वी द पीपल, हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस मूलभूत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। The societies and institutions of both India and the US are based on democratic values. The constitutions of both countries begin with the following 3 words, we, the people, as President Biden just mentioned. Both of our countries take pride in their diversity. Both of us believe in the fundamental principle of in the interest of all, for the welfare of all. Post COVID काल में वर्ल्ड ऑर्डर एक नया रूप ले रहा है। इस कालखंड में भारत और अमेरिका की मित्रता पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में पूरक होगी। ग्लोबल गुड के लिए वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेमोक्रेसी की ताकत का स्पष्ट प्रमाण है। इन द पोस्ट कोविड एरा द वर्ल्ड ऑर्डर इज टेकिंग अ न्यू शेप। In this time period, the friendship between India and the US will be instrumental in enhancing the strength of the whole world. The two countries are committed to work together for the global good and for global peace, stability and prosperity. Our strong strategic partnership is a clear proof of the power of democracy. Friends, ab se kuch hi der mein Rashtrapati Biden aur main Bharat अमेरिका संबंधों और अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज भी हमारी बातचीत बहुत सकारात्मक और उपयोगी रहेगी। आज दोपहर को मुझे यूएस कांग्रेस को एक बार फिर से संबोधित करने का अवसर मिलेगा।
इस सम्मान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। Friends, in a short while from now, President Biden and I will discuss India-US relations and various regional and global issues. I'm sure that, as always, our conversation today will be very positive and useful. This afternoon, I will also have an opportunity to address the US Congress for a second time. I am deeply grateful for this honor. मैं यही कामना करता हूं और 140 करोड़ भारतवासी भी यही कामना करते हैं कि भारत का तिरंगा और अमेरिका का स्टार एंड स्ट्राइप हमेशा नई ऊंचाइयां छूते रहे। राष्ट्रपति बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, एक बार फिर आपके स्नेह भरे निमंत्रण के लिए, आपके गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और 140 करोड़ हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, गॉड ब्लेस अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद। I wish for and the 1.4 billion people of India wish with me for India's tricolor and America's stars and stripes to always keep flying higher and higher. President Biden, Dr. Jill Biden, once again, I thank you for your kind invitation, for your warm welcome and hospitality, also on behalf of 1.4 billion people of India. Jai Hind, God bless America, thank you very much. प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा दिन है, ऐतिहासिक अमेरिकी दौरा, और दोनों देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उन्होंने अपने संबोधन में कई बातें कही हैं। और खास प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दोनों देश आए हैं कि विश्व की शांति और समृद्धि के लिए। और इसके बाद आपको बता दें, तस्वीरों के बाद द्विपक्षीय बातचीत होगी वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर। प्रधानमंत्री मोदी का ये राजकीय दौरा है, आपने देखा अभी प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दोनों ने अपने अपने संबोधन किए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया अदा किया है राष्ट्रपति बाइडेन का उनकी दोस्ती के लिए, फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन का उनकी दोस्ती के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो पूरा विश्व की जो सामरिक नीति है वो एक नया रूप ले रही है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो एक अलग तौर पे इस समय देखा जा रहा है, और भारत और अमेरिका दोनों ही एक शांति के लिए, समृद्धि के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये
तमाम भारतीयों का, और भारत जो भारत के लोग, भारतीय मूल के लोग अमेरिका में रह रहे हैं, ये उनका भी सम्मान है। एक फोटो ऑप इस समय आप देख रहे हैं, जिल बाइडन, राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं। और इसके बाद ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति बाइडन और नरेंद्र मोदी की बायलैटरल बातचीत है, द्विपक्षीय बातचीत है, जिसके ऊपर काफ़ी तैयारी हुई है और बहुत सारे डिलीवरेबल्स इस पे तैयार किए गए हैं, जिसकी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जैसे कि जेट इंजन का जो समझौता है, और इसके अलावा सेमी कंडक्टर्स का समझौता है, स्पेस क्षेत्र में जो समझौते हुए हैं। यहाँ पर सेरेमोनियल वेलकम हुआ है प्रधानमंत्री का, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया है, रेड कार्पेट वेलकम है, क्योंकि वो स्टेट गेस्ट हैं, उनका स्टेट विजिट है, और इसलिए हमने देखा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफ़ी भव्य स्वागत हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जो बाइडेन ने कहा है कि हमारे स्थायी संबंध और साझा मूल्य हैं, और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है, कहा कि हमने बहुत समय साथ बिताया है और रिश्ता अब भी कायम है। बिल्कुल नगवा, जिस तरह से पहली स्टेट विजिट है, प्रधानमंत्री पहले भी आते रहे लेकिन स्टेट विजिट है, और आज शाम को अमेरिका के समय के हिसाब से स्टेट डिनर होगा। ये जो स्टेट विजिट कहा जाता है, ये अपने आप में अमेरिका अपने महत्वपूर्ण दोस्तों और सहयोगियों के लिए ही देता है, और जो बाइडेन ने इससे पहले सिर्फ दो राष्ट्र प्रमुखों, दक्षिण कोरिया और फ्रांस के राष्ट्रपति, इन दोनों को ही ये न्योता दिया था, और तीसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं भारत के, जिनको ये न्योता अमेरिका की तरफ से जो बाइडेन के शासनकाल में दिया गया है। अब जो स्टेट डिनर होगा कुछ देर में, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि ये एक तरह से जो सम्मान है उसको एक्सटेंड करना होता है, और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार स्टेट डिनर उनके सम्मान में यहाँ पर दिया जा रहा है। जिस तरह से नगमा आप बता रही थी, और महासिद्दीकी भी हमें बता रही थी, जो 6 महत्वपूर्ण समझौते हैं उनका हमें जानकारी तो काफ़ी कुछ मिल गई है, लेकिन ये अपने आप में दोनों देशों के नागरिकों और वैश्विक स्थिति को देखते हुए बहुत अहम है। और पहली बार होगा जिस तरह से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, सेमीकंडक्टर्स की बात होगी, तो अब तक एक आदान प्रदान ये होता था कि भाई चीज़ें खरीद ली जाती थी, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, भारत को उसे बना सकेगा, तो सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा भारत के लिए भी। इस समय में ये सही है कि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है, भारत की अपनी बहुत ज़रूरतें हैं, और जिस तरह से चीन और रूस साथ आ रहे हैं, ऐसे में अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि भारत को विशेष ध्यान दे। कोशिश करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शशांक पूर्व विदेश सचिव हमारे साथ हैं, मीरा शंकर पूर्व राजदूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर शशांक, मैं पहले आपके पास आऊं, आपका आंकलन क्या है जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है, भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्या नया आयाम जुड़ता हुआ आप देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बाइडेन ने निर्णय लिया है कि चाहे जो भी कोई हमारे डिफरेंसेस हों, कोई अलग सोचने विचार की बातें हों, लेकिन एज टू डेमोक्रेसीज, टू वाइब्रेंट कंट्रीज, हम लोगों को साथ में आकर चलना है, और जो नए समीकरण बन रहे हैं विश्व में इस समय, उन सब में भारत और अमेरिका अगर साथ मिलकर चलते हैं, तो जो प्रधानमंत्री ने जैसे अभी कहा कि ये वैश्विक समृद्धि और शांति के लिए बहुत आवश्यक है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने जो है नटशेल में ये डिस्क्राइब कर दिया है कि ये भारत जो है ये नेटो प्लस ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये भारत जो है विश्व की समृद्धि और शांति के लिए ये कदम उठा रहा है, और राष्ट्रपति बाइडेन ने पहल की है, बहुत तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ा कदम ये लिया है कि भारत की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरे तरीके से ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता दिया है वहां पे स्टेट विजिट के लिए, राजकीय विजिट के लिए। जी, हमारे साथ पूर्व राजदूत मीरा शंकर जी भी मौजूद हैं। मीरा शंकर जी हमारी अमेरिका में हमारी राजदूत रह चुकी हैं, इस समय जो तस्वीरें दिख रही हैं बहुत ही अहम हैं। मीरा शंकर जी, ये तस्वीरें, जिस तरह का उनको रेड कार्पेट वेलकम मिला है वहां पे, और हमने देखा बड़ी तादाद में इंडियन अमेरिकन्स वहां पे हैं। इंडियन अमेरिकन्स का जो बढ़ता हुआ रुतबा है, या भारत का जो बढ़ता हुआ स्टैचर है, उस पे उसको कैसे आप आंकती हैं इस समय? स्टेट विजिट है प्रधानमंत्री मोदी की, जाहिर है कि ये भारत की बढ़ती हुई हैसियत भी है। ये जरूर है कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और चाइना को मद्देनजर रखते हुए
ये हम देख रहे हैं इस समय कि अमेरिका का भी इंटरेस्ट है कि भारत से दोस्ती जो है, रिश्ते जो है, उसको गहरे किए जाएं। मीरा शंकर जी समय हमारे साथ नहीं है, पर मंजू सेठ है हमारे साथ जुड़ी हुई। मंजू सेठ भी नहीं है, माफ कीजिएगा, शशांक हमारे साथ इस वक्त है, पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। तो मैं ये कह रही थी कि इस समय जो भारत का स्टैचर और जो इंडियन अमेरिकन्स वहां पर हैं उनकी बड़ी मौजूदगी, जिस तरह का वेलकम वहां पर मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी को, ये सब दिखाता है कि बहुत अहमियत भी बढ़ी है भारत की। तो ये ऐसा समय भी है जबकि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट भी है और दुनिया दो खेमों में बटी हुई, फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा और बड़े होते चले जा रहे हैं, भारत की न्यूट्रलिटी इस मसले पे रही है, तो ऐसे में ये दौरा और अहम हो जाता है। शशांक जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दुनिया इस समय कई भागों में बटी हुई है। इस समय हमें एक सैनिटी की आवाज की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है हमेशा से कि जितनी भी विश्व की प्रॉब्लम्स हों उनको डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, नेगोशिएशन से पीसफुली निकालना है। और शुरू से ही यूक्रेन युद्ध की बात हो, चीन की बात हो, जब वो अपने नेबरिंग कंट्रीज को मसल फ्लेक्सिंग करता है कि वो सब मिलजुल कर अच्छे तरीके से काम करें, और ये इसके लिए भारत हमेशा उनके साथ में मिलकर चलने को तैयार है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बात को स्वीकारा है कि भारत जो टेबल पर अपनी फ्रेंडशिप ला रहा है वो खाली ऐसा नहीं है कि पहले पाकिस्तान उनका दोस्त होता था, भारत दोस्त हो गया है। नहीं, इस समय बिल्कुल वातावरण बदल चुका है। चीन ने जिस प्रकार से टेक्नोलॉजीज वगैरह अमेरिका से ली हैं और देशों से ली हैं, फिर उन्होंने अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके अब उन्होंने कहा है कि अब 2049 तक विश्व की सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे, मिलिट्री टर्म्स में, स्पेस टर्म्स में, हर तरीके से। और ये जो है एक प्रकार से मैं कहूंगा कि विश्व के समय थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी आने वाला वक्तव्य है, तो ऐसे में आवश्यकता है कि भारत जो कि आत्मनिर्भरता का कैंपेन के ऊपर चलता रहा है, उसको पूरे तरीके से अमेरिका साथ में मिलकर जो सप्लाई चेन्स का है, जो को प्रोडक्शन का है, को डेवलपमेंट का है टेक्नोलॉजीज का, उसमें साथ में जोड़कर चले। तो जैसे जिस तरीके से निर्णय हुए हैं, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे हों, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज पे हों, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, बहुत आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं वो इस समय एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में दे दिए गए हैं अमेरिका में, और जैक सलीवान जो है वो और उनका दफ्तर पूरे तरीके से मामलों में बोल रहा है। तो जो लोकतांत्रिक प्रणालियों में अलग अलग आवाजें निकल कर आती हैं अलग अलग विभागों से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, वो सब अब शांत हो गई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने और राष्ट्रपति बाइडेन ने निर्णय कर लिया है कि अब दोनों देशों को आगे बढ़कर चलना है, क्योंकि यही विश्व के लिए, एशिया के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। शशांक जी, मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी आपसे, समझना कि भारत के लिए क्या हासिल होगा इससे। अब तमाम डील्स कही जा रही हैं, निवेश भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही है, लेकिन आपका कूटनीतिक नजरिए से क्या आंकलन, हमारे देश को कितना फायदा होगा इससे? नहीं, फायदे की तो बात यह है कि जब तक कि हम उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे टेक्नोलॉजी को, और अपने यहाँ नहीं उसको अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, तो उसको फायदा नहीं है कि कोई बाहर से कोई हमें पैचवर्क लेकर आ जाए और उससे हम कहें कि नहीं अब हम जो है बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं इकोनॉमिकली या टेक्निकली। चीन का हाल हमने देखा है, बहुत ही होशियारी से उन्होंने उसको एब्जॉर्ब किया है टेक्नोलॉजी को, अपने आप डेवलप किया है, और अब ये नहीं कह सकते कि सब वो चुराई हुई टेक्नोलॉजीज हैं। अब बल्कि ये बात है कि ऑस्ट्रेलिया की एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिन्होंने कहा कि अगर 45 न्यू क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज देखी जाए विश्व में, तो उनमें करीब 37 में चाइना की बहुत ही डिसाइसिव लीड है, और वेस्ट की उसमें सब में बहुत पीछे है छूटे हुए। तो चाइना ने जिस प्रकार से किया है, तो भारत लोकतांत्रिक प्रणाली में जिसमें कि अलग अलग लॉबीज जो है वो अपने मार्केट्स के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहती है भारत के अंदर, तो उससे कई बार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ यह है कि जो और देश हैं और खासकर अमेरिका में, वो पेटेंट राइट्स इतने रिजिड तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि वो छोटा मोटा उसमें माइनर एडमेंट्स करते हैं, एडवांसेस करके कहते हैं कि अभी नया पेटेंट हो गया है और इसको जो है अब कोई नहीं ले सकता है। तो एक तरीके से जो भारत जैसे योगा को कहता है कि इसको पेटेंट मत कीजिए, ये सबके लिए हित की बात है, पूरे विश्व के लिए है,
तो हम लोग उस तरह की बात करते हैं कि किस तरह से शेयर करा जाए, उसी से सबसे आगे बात बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से जो अगर दोनों तरफ की बात है कि अमेरिका तैयार हो गया है भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज देने के लिए, और भारत के लिए आवश्यक है कि जो हमारे मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन हमने भेज रखे हैं अमेरिका के और विश्व के और देशों में, अब मौका है कि उनको इन्वाइट किया जाए, उनको किसी तरीके से डिस्करेज नहीं करा जाए। और जो हमारे अपने यंगस्टर्स निकल कर आ रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि कई हमारे इंस्टीट्यूशन से, IIT से, IIM से, यूनिवर्सिटी से निकल कर लोग आ रहे हैं, वो NGOs बना रहे हैं, NGOs में काम कर रहे हैं, वो बाहर जाने का पैसा बनाने का काम नहीं करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत मौका है भारत के लिए, और ये अमेरिका के साथ में रिश्ते जो जुड़ रहे हैं, खासकर स्टेट विजिट के दौरान, मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा इस समय डेवलपमेंट हुआ है, और इसको हमको स्वीकारना चाहिए, इसको हमें वेलकम करना चाहिए पूरे तरीके से। बिल्कुल, हम जो आम लोगों के लिए कुछ और चीजें हुई हैं जिससे काफी उत्साह है इंडियन अमेरिकन्स में, वो H-1B वीजा की बात एक बार फिर हम अपने और दर्शकों को दिखा दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं, और जानकारी भी दे दें कि प्रधानमंत्री मोदी इस समय व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं, उनका वहां पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनका वहां पे भव्य स्वागत हुआ, राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों का संबोधन हुआ, और इसके बाद वो व्हाइट हाउस में ही ओवल ऑफिस में बायलैटरल के द्विपक्षीय बातचीत के लिए गए हैं आगे। और इसके पहले, इस द्विपक्षीय बातचीत के पहले काफी मेहनत हुई है, काफी काम हुआ है कि इस बातचीत से क्या नतीजा निकल कर आएगा भारत और अमेरिका दोनों के लिए, किस तरह के इससे चीजें सामने आ रही हैं, डिलीवरेबल्स जो कहते हैं कि वो क्या क्या हैं। एक शशांक जी, H-1B वीजा के बारे में भी खबर आई कि अब यहां पर हिंदुस्तान वापस नहीं आना पड़ेगा अपने देश में, इसको रिन्यू कराने के लिए वहीं पर रिन्यू हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। तो इंडियन अमेरिकन को भी किस तरह के कंसेशन मिल रहे हैं ये भी इससे जाहिर होता है, कॉन्सुलेट भी नए खुल रहे हैं भारत में भी दो जगहों पे, अमेरिकन एम्बेसीज उधर भारत के वहां पे, सियाटल में भी अमेरिका में कॉन्सुलेट खुलेगा, तो ये सब चीजें जो हैं वो आम लोगों को काफी फायदा पहुंचाएंगी और एक तरह से और लोकप्रिय बनाती हैं चीजों को। ये अगर ये निर्णय जिस तरह से बात की जा रही है अगर वाकई में अनाउंस हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। अभी तक हमने देखा था कि अमेरिका और चीन के बीच में कितने ही डिफरेंसेस हों, लेकिन जो चीनियों को अगर वीसा के लिए अप्लाई करते थे तो उनको दो तीन दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर वीसा मिल जाता था, पाकिस्तान वालों को एक दो दिन के अंदर वीसा मिल जाता था, भारतीयों को दो दो तीन तीन साल तक इंतजार करना पड़ता था, और अमेरिकन एम्बेसी कहती थी कि साहब हम क्या करें, हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, कोविड की वजह से सब छोड़ के चले गए, तो इस तरह से अपनी बिल्कुल मजबूरी दिखाते थे। अब मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से एक डिसीजन लिया है राष्ट्रपति बाइडेन ने कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई दिशा दिखानी है, नई प्रगति इसमें गति लानी है, तो हम समझते हैं कि ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं, अब H-1B वीसा के लिए लोग वहां दौड़ते थे, भारत वापस आते थे, कभी कनाडा जाते थे, वो अमेरिका के बाहर जाना पड़ता था और बहुत कम समय होता था उनके पास, और आप देखिए अमेरिका की कंपनी, कई कंपनीज डूब गई है, कई बैंक डूब गए, तो ऐसे में जो है बहुत भारतीयों को, बहुत करीब करीब हर महीने 1 लाख भारतीय अपनी नौकरी खो रहे हैं, तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा अगर उनको हम ये भी कह दें कि अब आप वापस जाइए और फिर वापस पे लौट के अमेरिका नहीं आ सकते। भाई उनको फ्रीडम होना चाहिए, अगर अमेरिका में काम करना चाहे करें, भारत में आके लौट के आके काम करना चाहे तो करें। तो इस तरीके से, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते ऐसी स्टेज पे होने चाहिए, अगर नेटो प्लस का इन्विटेशन दे रहे हैं हमको तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि नेटो के देशों में वीसा है ही नहीं, यूरोप के देशों में और अमेरिका में बिना वीसा के लोग इधर से उधर जा सकते हैं। कई बार मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स ने मुझको बोला कि अरे हम वीसा लेना भूल गए, हमको ध्यान ही नहीं रहा कि इंडिया के लिए हमें वीसा लेना चाहिए, हम तो सोचते थे कि यूरोप की तरह हम इंडिया भी ऐसे ही आ जाएंगे। तो अगर उस स्टेज पर हम अभी नहीं पहुंच सकते हैं इमीडिएटली, लेकिन दिशा हमको मालूम है किस दिशा में चलना है, हमें हथियारों के होल्ड नहीं करनी है पूरे तरीके से, हथियारों को तो रखना है इसलिए कि ताकि कोई और हमला ना करे, हमारे ऊपर किसी तरह से आधिपत्य जमाने की कोशिश ना करे, लेकिन दूसरी तरफ हमको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से और देशों के साथ हम अपने रिश्ते मधुर बना सकते हैं और अपने जो भारतीय नागरिक हैं उनका आना जाना ज्यादा हम सहल कर सकते हैं। जी शशांक जी, आज शायद ये भी घोषणा होगी और कॉन्सुलेट्स खुल जाएं,
अहमदाबाद और बेंगलुरु में और साथ ही सियाटल में अमेरिका में खुल जाए, तो ये कॉन्सुलेट्स खुलेंगे तो यही आम आदमी, आम नागरिक को जो अमेरिका से देश ये आवाजाही में आसानी होगी। ये भी दर्शा रहा है कि अमेरिका को भारत की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब देखिए रशिया हमारा एक पुराना दोस्त है, 60% से ज्यादा हथियार हम रशिया से लेते हैं तो उसको नाराज नहीं करते, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने यूक्रेन वॉर के दौरान कहा था सिर्फ ये कि भाई ये समय लड़ाई का नहीं है, एरा ऑफ वॉर नहीं है, तो अमेरिका को कुछ ठीक लगा था। तो ऐसे में अमेरिका को इस समय भारत की बहुत जरूरत है, जिस तरह से भारत को भी जरूरत है वैसे ही अमेरिका को हमारे देश के साथ की, हमारे बाजार की, हमारी बहुत काफी जरूरत है। ये आपने सब कहा, हमारा बाजार है बहुत बड़ा है और रूस के ऊपर इतने सैंक्शंस लगी हुई हैं कि हम रूस से तेल तो खरीद रहे हैं और भी फर्टिलाइजर्स और भी एल्यूमिनियम और भी चीजें कहीं से खरीद रहे हैं, लेकिन हम उनको जब पेमेंट करना चाहते हैं तो उनके ऊपर सैंक्शंस की वजह से हमारी करेंसी जो है कन्वर्टेबल नहीं होती है। और रूस कहता है कि साहब हम तो ऑलरेडी $140 बिलियन आपके लेके बैठे हुए हैं इंडियन रुपीज में, तो अब ये है कि रूस के लिए भी हमको आवश्यक है कि जो हमारी गुड्स हों वो इतनी क्वालिटी के हों, इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हों कि रूस के लोग खुद उसको इंडियन करेंसी से खरीदें और ये नहीं कहें कि आप जो है हमको चाइनीज रेमनी भी दे दीजिए या यूएई का पैसा दे दीजिए तो या सिंगापुर का दे दीजिए ताकि हम चीजें वहां से खरीदेंगे और तेल आपको बेचेंगे। तो ये हमको बड़े सोचने की बात है कि उसमें कमी है। S-400 मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम्स में भी यही परेशानी मेरे ख्याल से पेमेंट वगैरह की आई है थोड़ी सी। और हमको ध्यान ये रखना है कि मार्केट बड़ा होने के साथ साथ हमको अपने गुड्स का अपग्रेडेशन भी करना है जी। दूसरा जो हम रूस के साथ में एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं, एक हम दूसरा व्लादिवोस्टोक से बनाना चाह रहे हैं पैसिफिक कॉरिडोर, तो ये सब बनाने में भी हमको कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि जो भी जरूरतें हैं भारत की विश्व समृद्धि के लिए, अपने खुद के लोगों की समृद्धि के लिए हम उसमें आगे बढ़ते रहें। और मेरे ख्याल से अमेरिका के साथ जाकर अगर हम समझाते हैं उनको कि जो भारत का हित हो रहा है उसमें यूरोप का कोई उससे नुकसान नहीं है, अमेरिका का कोई नुकसान नहीं है, यूक्रेन का युद्ध अलग बात है, लेकिन भारत के हिस्से में जहां पे कि इतने 140 करोड़ लोग रहते हैं और काफी इनस्टेबिलिटी, काफी लोग ISIS के या और लोग भाग के आ गए हैं और पाकिस्तान अभी भी अपने तरीके से लगा हुआ है कि खुद भी डिस्टेबिलाईज हो रहा है और देशों को भी डिस्टेबिलाईज कर रहा है, तो मेरे ख्याल से हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ मेरे साथी आ गए हैं, जुड़ लिया उन्होंने, मीरा शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, मंजू सेठ भी है। मीरा शंकर जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो उस पर बहुत लोगों की निधि चर्चा रही कि क्या गिफ्ट्स लेके गए प्रधानमंत्री वहां पे, और डिनर डिप्लोमेसी की बात हो रही है कि मेन्यू क्या है, मिलिट्स को कितनी तरजीह दी गई है, ये सब कुछ दिखाता है कि एक कंट्री, एक देश का जो बढ़ता हुआ रुतबा है कि कितना आप उस देश के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो पहले भी हमारे प्रधानमंत्री वहां जाते रहे, किस तरह की परंपरा रही है सौगात ले जाने की, इस बार हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के लिए कुछ अनमोल सौगात ले गए प्रधानमंत्री मोदी, एक ग्रीन डायमंड की बड़ी चर्चा है, वो और भी चीजें लेकर गए हैं जिसमें परंपरा के हिसाब से जो चीजें हैं, नमक हो उसमें, संदल हो उसमें, वो तमाम चीजें इस तरह की लेकर गए हैं, तो इस पर आप ट्वीट टिप्पणी करना चाहेंगी जिस तरह के गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं। मीरा शंकर जी, देखिए जो गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं वो तो जो भी लीडर्स होते हैं उनके जो पर्सनल चॉइस है या जो वो चूज करते हैं उसके मुताबिक होती है, और इसमें वो ये भी देखते हैं कि जिसको वो तोहफा दे रहे हैं उनको क्या पसंद है, और दूसरा कि राष्ट्र का भी कुछ उसमें दिखाई दे, तो दोनों चीजें लेके ये प्रधानमंत्री और जो बाइडेन ने गिफ्ट्स एक्सचेंज किए हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो इतना खास प्रोटोकॉल स्टेट विजिट में दिया जा रहा है वो खुद में महत्वपूर्ण है, पर उससे ज्यादा जो सिग्नलिंग वो कर रहा है, क्योंकि अपने आप में ये सब चीजें इतने मायने नहीं रखती अगर इनका कुछ मैसेजिंग नहीं है जी। और मैसेजिंग इसकी ये है कि भारत और के साथ जो रिश्ते हैं उसको US बहुत महत्वपूर्ण मानता है, सिग्निफिकेंस देता है, तो मैसेजिंग खास हमें देखनी चाहिए।
प्रोटोकॉल इस वजह से महत्वपूर्ण रहता है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात कही कि जो संदेश और मैसेजिंग इस बार दी जा रही है। मंजू सेठ जी, आपसे आपका क्या आंकलन, क्या बदलाव आपने इस बार इस ट्रिप में देखा? प्रधानमंत्री पहले भी कई बार गए लेकिन ये पहली स्टेट विजिट है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां पे कांग्रेस को दोबारा प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, लेकिन जो ये बदलाव आया है वो आपका आंकलन क्या है? आप शायद मंजू जी, आप अनम्यूट योर सेल्फ मैम। सॉरी। आप, हमने देखा कि एटमोस्फेरिक्स इतने पॉजिटिव थे। अभी जो दोनों लीडर्स ने अपने जो भाषण दिए हैं वहां पे व्हाइट हाउस के लॉन्स पे, कुछ स्पेशल एक हमने देखा, एक वार्म्थ। हमेशा थोड़ी वार्म्थ रहती है पर दिस टाइम कुछ मुझे लगा बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म था वहां पे, और इतने इंडियन डायस्पोरा को वहां लॉन्स पे आने दिया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। और प्रेसिडेंट बाइडेन की जो स्पीच अगर हम देखे उसमें भी बहुत खास मैसेजिंग थी, जैसे एम्बेसडर शंकर ने भी कहा, एक मैसेजिंग देने का एक क्लियर एक इंटेंट था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है अमेरिका के लिए भी, और हमारी तरफ से भी जो मैसेजिंग गई है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये दोनों का कोलैबोरेशन, दोनों देश जो आ रहे हैं और शेयर्ड वैल्यूज और शेयर्ड फ्यूचर की जो बात की गई है, डेमोक्रेसीज की बात की गई है, वी द पीपल जैसे उन्होंने कहा, तो ये सब चीजें एक बहुत स्पेशल मैसेजिंग देते हैं कि बहुत कॉमनैलिटीज हैं और दोनों रिकग्नाइज कर रहे हैं हमारे जो कॉमनैलिटीज हैं और कन्वर्जेंसेस जो हैं हमारे एम्स में और हमारे इंटेंट में और हमारे फ्यूचर के लिए, वर्ल्ड फ्यूचर के लिए और दोनों देशों के फ्यूचर के लिए क्या हमारे एम्बिशंस हैं, वो बड़े अच्छे से दर्शाए गए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये हम क्लियरली आर्टिकुलेट करें, और जैसे एम्बेसडर शशांक जी ने भी कहा कि इसमें हमारा भी फायदा है और हमें पुश करना चाहिए, और हमने भी अपने फायदे, हमारे इंटरेस्ट जैसे वीजा का हो गया, हमारे एक्सपोर्ट्स का हो गया, हर एक चीज के लिए हम लोग हमेशा पुश करते हैं और इसमें जरूर एक्स्ट्रा पुश देंगे बिकॉज हमारा भी इसमें इंटरेस्ट रहना चाहिए, तभी ही ये आगे कोलैबोरेशन विल बी फ्रूटफुल कहते हैं और सक्सेसफुल हो।